हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं छोटा सा टैंक का ड्राइंग आया हुआ है। तो जो ये ड्राइंग भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि इसमें हम किस तरीका से व्यू देखेंगे, इसमें क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है और किस तरीका से हम इसका प्लेट का डायमेंशन कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या इसमें फिटिंग्स लग रहा है और कौन सा इसमें प्लेट है, कितने थिकनेस का है, कितना हाइट है और कैसे हम इस प्लेट का राउंड प्लेट का कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टैंक का जो है साइड व्यू दिखा रहा है। अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये इस तरीका से राउंड यहाँ पर दिख रहा है और जो ये साइड में आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सीढ़ी है यानी कि स्टेयर केस है। ये स्पायरल स्टेयर केस है यानी कि राउंड घूम करके ऐसे जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ है सीढ़ी का, यही ये सीढ़ी है जो ऐसे घूम कर इसके ऊपर जाएगा। और ये साइड व्यू यहाँ पर दिखा रहा है कैसे प्लेट का टैंक रहेगा और ऊपर में जो रहेगा इस तरीके से डिग्री में रहेगा, देख सकते हैं। और ऊपर में इस तरीके से ये राउंडिंग दिखा रहा है जो आपको इस तरीके से ये राउंड रहेगा और बीच में एक राउंड प्लेट या पाइप को आपको लगा करके उसमें इस तरीके से ये सब चैनल जो है लगा हुआ है। ये सब सी चैनल का लगता है, मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हम ये जो मेन प्लेट है हम उसका देखेंगे कि कैसे हम उसको खड़ा करेंगे और नीचे का बेस प्लेट में क्या दे रहा है डिजाइन। सबसे पहले हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब नीचे का आप बेस प्लेट इसको इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर इसका प्लेट का यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है, देख सकते हैं। बॉटम प्लेट ओडी डायमेंशन 9 मीटर 175 mm दिया गया है। इसका ओडी डायमेंशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना हमें राउंड एक हमें प्लेट कटिंग करना होगा। तो राउंड जब इसको मार्किंग करेंगे तो वो पार्ट बाई पार्ट होता है, एक ही प्लेट में तो होगा नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर एक लेआउट मार्किंग करके आपको पार्ट बाई पार्ट डायमेंशन निकालना होगा जी। इसका आपको राउंड अगर लेआउट मार्किंग करना है तो ये जो है 9 मीटर 175 जो दिया गया है और 8 एमएम थिकनेस, उसमें आप गुना कर सकते हैं 3.142, तो आपका राउंड जो है डायमेंशन निकल जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो ये राउंड है ऐसे आपको राउंड प्लेट काटना होगा। तो पार्ट बाई पार्ट हम कैसे प्लेट लगाते हैं कटिंग करके, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वह वीडियो देखिएगा पिछला टैंक का कि बॉटम प्लेट को हम कैसे मार्किंग करते हैं पार्ट बाई पार्ट, अगर छोटा छोटा पीस में काट करके लगाना है तो वो वाला वीडियो देख करके और वो मार्किंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यानी कि आप राउंड इस यहाँ पर मार्किंग करेंगे, जब आप राउंड इस यहाँ पर इसको लगाएंगे बॉटम प्लेट का, यहाँ पर देखिए एलिवेशन यहाँ पर दिया गया है, ये जो है जीरो एलिवेशन है। तो इसका जो फाउंडेशन रहेगा, जो कंक्रीट जब ढलाई होगा तो कंक्रीट भी यहाँ पर देखिए स्लोपिंग में रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है स्लोपिंग, यहाँ पर आपको स्लोप में कंक्रीट भी ढलाई करना होगा। जो कंक्रीट पहले ढलाई करेंगे उनको भी ये ध्यान देना है कि इसको इस तरफ स्लोप रखना है, 120 mm डाउन रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्लोप 120 mm, यानी कि यहाँ पर जितना हाइट रहेगा ये बेस प्लेट का उससे इस तरफ आ करके 120 mm नीचे की तरफ डाउन यहाँ पर ये प्लेट रहना चाहिए बॉटम प्लेट। तो इसके लिए हमें कंक्रीट भी डाउन करना पड़ेगा एक साइड, तब जा करके वो होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ आ करके ये 120 mm कंक्रीट जो है डाउन रहेगा, यानी कि ये देखिए ऊपर वाला जो लाइन है वो जीरो एलिवेशन है, जीरो एलिवेशन से प्लेट जो है नीचे में 120 mm डाउन रहना चाहिए। तो इस तरीके से इस तरफ एक तरफ में स्लोप रहेगा और यहाँ नीचे साइड में एक यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, आधा नीचे की तरफ है और आधा ऊपर की तरफ है, यानी कि आधा बॉटम में ये पाइप गया हुआ रहेगा इस तरीके से। आपको और जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से इसको देखिए किस तरीके से लगा हुआ है। ये जो एक पाइप यहाँ पर लगा हुआ है नोजल, आधा नीचे से जा करके लगा हुआ है और आधा साइड में लगा हुआ है, ताकि इसमें जो भी केमिकल हो अगर इसको खोला जाए तो पूरा का पूरा बाहर आ जाए। इस तरीके से इसमें डिजाइन आपको बनाना होगा। तो इस तरीके से अब जब बेस प्लेट इसको फिटिंग कर लेंगे उसके बाद बारी आता है यहाँ पर वर्टिकल प्लेट को लगाना। तो वर्टिकल जब प्लेट आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है वर्टिकल प्लेट का, यहाँ पर 1250 का दो प्लेट यहाँ पर लगेगा, यानी कि बीच में एक जॉइंट आएगा और तो दो प्लेट 1250 mm का रहेगा, जो कि दो प्लेट 1250 का रहेगा। देखिए यहाँ पर 1250 और 2 nungs लिखा हुआ है, यानी कि 2 meter 500 पूरा यहाँ से ले करके यहाँ बॉटम से ले करके यहाँ तक डायमेंशन 2 meter 500 रहना चाहिए प्लेट का और उसका थिकनेस 8 mm रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थिकनेस 8 mm का रहेगा। हाइट डायमेंशन आपको पता चल गया, उसके बाद आपको इसका राउंड डायमेंशन निकालना होगा। तो राउंड डायमेंशन के लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है सेल आईडी 9 meter 60 mm दिया गया है। तो यहाँ पर जो आईडी डायमेंशन दिया गया है 9 meter 60 mm, उसको आपको क्या करना है, इस तरीका से 9 meter 60 mm लेना है और इस तरीका से गुना कर देना है 3.142 से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये निकल गया 28 meter 466 mm। तो इसका जो राउंड जो डायमेंशन रहेगा प्लेट का देख सकते हैं
ऐसे जो राउंड प्लेट का आपका डायमेंशन निकल गया कि 28 मीटर 466 mm टोटल प्लेट का डायमेंशन रहना चाहिए, तो उसमें देख लेना है कि आपका प्लेट का लंबाई कितना है, 6-6 मीटर का है या 5-5 मीटर का है या 10-10 मीटर का है, तो उसके हिसाब से कितना प्लेट लगेगा उतने में आप डिवाइड कर लेना है। 28 मीटर 466 mm हो जाना चाहिए पूरा राउंड डायमेंशन प्लेट का। प्लेट का राउंड डायमेंशन आप निकाल लेंगे इस तरीके से, 28 मीटर 466 mm आना चाहिए टोटल। अगर 10-10 मीटर का प्लेट है तो आपको जोड़ लेना है कि 28 मीटर 466 mm हमारा कितने प्लेट में होगा, उसके हिसाब से आपको राउंड बनाना है। और उसका हाइट डायमेंशन होना चाहिए पहला प्लेट का यानी कि 2 मीटर 508 mm थिकनेस का होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा प्लेट लगेगा जो यहाँ पर एक और ज्वाइंट आएगा जिसका 1250 mm हाइट रहेगा, और उसका भी सेम घुमाव डायमेंशन रहेगा जितना आप यहाँ पर मैंने आपको ये जो कैलकुलेशन करके दिखाया 28 मीटर 466 mm वो भी रहेगा, क्योंकि आईडी डायमेंशन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेम ही रहेगा। बाहर में थिकनेस का जो है वो कम ज़्यादा होते रहेगा, बाहर में जो होगा जो भी होगा कम ज़्यादा थिकनेस जो है वो बाहर में रहेगा, आईडी जो है सेम आना चाहिए। इसीलिए आप आईडी से ही इसका आउटर डायमेंशन प्लेट का कैलकुलेशन करेंगे, आईडी से ही आपको कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद जब इस ज्वाइंट से जब आप ऊपर जाते हैं, देखिए ये वाला जो 1250 का जो आप प्लेट लगाएंगे ये वाला जो, तो वो जो रहेगा 6 mm थिकनेस का रहेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तीन प्लेट को एक साथ इसमें बोल रहा है जोड़ना है, जिसमें एक प्लेट का डायमेंशन 1250 mm रहेगा। तो 1250 का तीन प्लेट ज्वाइंट होगा और उसका थिकनेस 5 mm का रहेगा। देख सकते हैं उसका 5 mm थिकनेस का प्लेट रहेगा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमेंशन रहेगा 3 मीटर 750 का। तो आपको देख लेना है कि अगर 3 मीटर 750 अगर उठा करके लगाने में दिक्कत है तो आप सिंगल सिंगल एक एक प्लेट आप जैसे कि 1250 का आप लगा सकते हैं छोटा छोटा, उसके बाद ऊपर में जा करके यानी कि तीन प्लेट मिला करके यहाँ तक मिला सकते हैं। बाकी राउंड जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा जो मैं आपको बताया 28 मीटर 466 mm राउंड घूमेगा। उसके बाद फिर ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर फिर से एक 625 का पहले एक राउंड लगाना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपको 1240 mm का लगाना है। यहाँ पर 1250 दे रहा है लेकिन इसमें 10 mm शायद माइनस करना है, यहाँ पर टोटल डायमेंशन 1240 दे रहा है तो 1240 ही आप इसमें प्लेट को प्लस करेंगे, यानी कि आपको टोटल प्लस करेंगे जब ये डायमेंशन को जितना भी दिया है तो इतना डायमेंशन आना चाहिए 9 मीटर 365 mm। देखिए यहाँ पर टोटल हाइट यहाँ पर लिख दिया गया है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे 1240 और 625 और 3 मीटर 750 और यहाँ पर 1250 और यहाँ पर 2 मीटर 500, ये सबको प्लस करेंगे तो ये 9 मीटर 365 mm डायमेंशन आना चाहिए प्लेट का, ये हाइट डायमेंशन हो गया। और ये जो लास्ट वाला जो प्लेट है वो भी 5 mm थिकनेस का रहेगा। तो इस तरीका से आपको और उसका पूरा राउंड डायमेंशन जो रहेगा 28 मीटर 466 mm आएगा। तो इस तरीका से आपको राउंड इसको करते जाना है एक एक प्लेट लगाते हुए। उसके बाद जब आप टॉप में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीका से डिग्री में एक प्लेट लगाना है जो कि पूरा राउंड रहेगा, इस तरीका से देख सकते हैं, इस तरीका से राउंड आपको कटिंग करके लगाना है। तो आपको ये डिग्री में लगाना है, 15 डिग्री में रहेगा। तो इसके बारे में भी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिग्री वाला प्लेट टैंक का डिग्री वाला प्लेट हम कैसे लगाते हैं, इसका लेआउट कैसे मार्किंग करते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मूला भी है और एक सॉफ्टवेयर के जरिए भी हमने बनाया है वीडियो, वो आप देख सकते हैं कि इसका प्लेट का हम लेआउट मार्किंग कैसे करेंगे। यहाँ पर जो प्लेट रहेगा पूरा यहाँ तक आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि पूरा यहाँ लास्ट तक प्लेट आएगा। यहाँ देख रहे हैं एक पाइप बीच में एक ऐसे नोजल लगा हुआ है और इस तरीका से प्लेट जो है जा रहा है नीचे नीचे, और ऊपर में एक सी चैनल लगेगा, सी चैनल यहीं तक रहेगा। एक यहाँ पर जो प्लेट आपको वर्टिकल में जो दिख रहा है वो राउंड पूरा रहेगा, यहाँ पर जब आप टॉप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा राउंडिंग ऐसे एक बनाना है, और जो प्लेट रहेगा पूरा यहाँ सेंटर तक आया हुआ रहेगा, थोड़ा सा सिर्फ होल उसमें रहेगा जितना इंच का वहाँ पर पाइप लगा होगा, लेकिन ये कौर राउंड बीच में ऐसा बना हुआ है जिसमें एक एक चैनल जो है सी चैनल ऐसे लगेगा। इसका मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूँ कि इस तरीका का रहेगा ये, तो देख सकते हैं ये जो टैंक है सेम ऐसा ही टैंक वो जो है बनाना है। देखिए नीचे में प्लेट लगा हुआ है और एक बाहर में राउंड बना हुआ है और बीच में एक पाइप का लगाने के लिए नोजल लगाने के लिए बना हुआ है, लेकिन ये तो बड़ा पाइप है, वहाँ पर थोड़ा सा छोटा होल है तो वहाँ पर थोड़ा छोटा रहेगा। और साइड में ये जो कॉर्नर पर जहाँ पर ये जाकर के चैनल ज्वाइंट हुआ है जिस प्लेट में वो थोड़ा बड़ा राउंडिंग रहेगा और बीच वाला जो होल है उसका छोटा रहेगा। ये जो ड्राइंग में आप देख रहे हैं
ये जो बीच वाला होल है थोड़ा सा छोटा है और राउंडिंग जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाया था कि इसका राउंडिंग जो प्लेट है कैसे मार्किंग करेंगे। ये भी सेम ही डिजाइन है, देख सकते हैं, इसको भी स्लोपिंग में ऐसे ये रखा गया है ऐसे डिग्री में, और ऊपर में देखिए किस तरीके से सी चैनल लगा हुआ है प्लेट के ऊपर, ऐसा ही लगेगा। और ऊपर में जिस तरीके से रेलिंग लगा हुआ है उसमें भी सेम ऐसा ही रेलिंग लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेम ऐसा ही डिजाइन है, यहाँ पर जिस तरीके से ये डिजाइन आप देख रहे हैं इसमें भी ऊपर में ये जो ऊपर में जो ये सब एफ जैसा आपको जो दिख रहा है पाइप, ये रेलिंग का दे रहा है, राउंड पूरा घुमा हुआ रहेगा। और यहाँ पर जहाँ पर स्टेयर केस ख़त्म होगा वहाँ पर सिर्फ ओपन रहेगा यहाँ से एंट्री होने के लिए। और ये देख सकते हैं कितना पीस है, 1 2 3 4 5, यानी कि आपको देख लेना है कितना इसमें चैनल है, टोटल चैनल इस तरीके से लगाना है। और चैनल का लंबाई जो है यहाँ पर डायमेंशन लिखा गया है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, वो आपको अगर ड्राइंग में नहीं लिखा है तो आप अपने इंजीनियर से या सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं। और यहाँ जो टॉप में एक यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है देख सकते हैं 4 मीटर 230 है शायद, यहाँ पर एक नोजल है वर्टिकल में और एक इधर भी शायद नोजल है, तो उसी नोजल का सेंटर से डायमेंशन दिया गया है कि यहाँ पर 2 नोजल यहाँ पर लग रहा है। तो इसी तरीके से इसका व्यू देखना है। बाकी इसमें जो है ये राउंडिंग स्टेयर केस है, जो नोजल जो टॉप में जो दिख रहा था इसी तरीके से एक नोजल रहेगा। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा नोजल है, देख सकते हैं छोटा छोटा नोजल रहेगा सबका, यहाँ पर दिया गया है कि सबका डिग्री लिखा गया है कि कौन से नोजल कितने डिग्री पर रहेगा, 255 डिग्री, 250 डिग्री, 245 डिग्री, ये सबका डिग्री लिखा गया है कितने डिग्री पर रहेगा। देखिए इस साइड में 0 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर लिखा गया है 0 डिग्री, इस साइड में 0 डिग्री, और इधर से जब आप ऐसे घूम के आते हैं इस तरीके से तो ये सब आएगा आपको एक एक डिग्री पर, आपको डिग्री निकाल करके इसको और यहाँ पर मार्किंग करके सेंटर यहाँ पर नोजल लगाना है। देख सकते हैं 220 डिग्री, 225, 230, 235, 240, 245, फिर 250, फिर 255, ऐसे करके ये डिग्री पर नोजल दिया गया है। इसका डिग्री का हम कैसे मार्किंग करेंगे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साइड में भी यहाँ पर नोजल आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सबका एलिवेशन दिया गया है, देख सकते हैं ये 650 पर एक यहाँ पर जैसे नोजल आएगा, उसके बाद 1200 पर एक नोजल आ रहा है, फिर 2 मीटर 100 पर एक नोजल आ रहा है, तो ये सबका नंबर यहाँ पर नाम दिया गया है। यहाँ पर एक नोजल आ रहा है, फिर एक यहाँ पर नोजल आ रहा है, यहाँ पर कुछ नोजल आएगा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाने के लिए, 7 मीटर 100 दिया गया है, इस तरीका से यहाँ पर जो है लगाना है आपको। यहाँ पर साइड में एक सी चैनल रहेगा पूरा राउंडिंग में घुमा हुआ, उसी का यहाँ पर देखिए ISMC 100 जो लिखा गया है, 100x50 यहाँ पर चैनल भी लिखा गया है, देखिए तो वो सी चैनल जो है पूरा राउंड घुमा हुआ रहेगा। देखिए इस टैंक में जैसे घुमा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें एंगल घुमा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर सी चैनल आपको घुमाना है, यहाँ पर साइड में एंगल घुमा हुआ है लेकिन उसमें सी चैनल चारों तरफ घुमा के लगाना है, यहाँ पर चारों साइड में सी चैनल घूम के लगेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से दिखेंगे थोड़ा जूम करके तो आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर एक आपको सी चैनल जैसा दिख रहा होगा, और ऊपर वाला सी चैनल आकर के इसी में वेल्डिंग किया जाएगा और नीचे साइड में प्लेट रहेगा इस टैंक का। और यहाँ पर जो टोटल एलिवेशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये जहाँ पर ये नोजल जा करके मिल रहा है, एक यहाँ पर नोजल लग रहा है, तो 9 मीटर 100 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक नोजल रहेगा N3 यानी कि नोजल 3 हो गया। इसका जो टॉप का हाइट डायमेंशन है जो यहाँ पर प्लेट लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से इस एंड प्लेट से जो हमने ये प्लेट लगाया उस प्लेट के हाइट से 1300 और ऊपर में ये इसका हाइट जाना चाहिए, इसका हाइट डायमेंशन ये यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो इसी तरीके से इस टैंक का ड्राइंग जो है देखा जाता है, इस तरीके से व्यू वगैरह देखा जाता है प्लेट का और बेस प्लेट जिस तरीके से मैं आपको बताया कैलकुलेशन करना, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो डिग्री में जो प्लेट लगा है इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका लेआउट कैसे मारना है, वो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बॉटम प्लेट को हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे पार्ट बाई पार्ट प्लेट में, तो उसका भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।